देश सहित प्रदेश भर में बैंक कर्मचारी अधिकारी वेतन वृद्धि के नाम पर 2 दिवसीय हड़ताल पर उतरे। इसी के चलते खरगोन जिले में भी 2 दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें संबंधित खाता धारकों को पैसे की लेन देन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने इस बात का खुलासा किया कि विगत 2 वर्षों से लगातार वेतन वृद्धि के नाम पर हमसे सुतला व्यवहार किया जा रहा था, जिसे लेकर हमारा क्रमबद्ध आंदोलन जारी और समय रहते मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ पर एकत्रित हुए हमारे बैंक यूनियन की मांगे 2017 से लंबी थे वेतन वृद्धि को लेकर, उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज और कल दोनों दिन बैंक का यूनियन के द्वारा स्ट्राइक रखी गई है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मार्च में भी 3 दिन की 11, 12, 13 मार्च को भी स्ट्राइक रखी जाएगी और उसके बाद भी अगर हमारे यूनियन की मांगे नहीं मानी जाएगी तो 1 अप्रैल से लगातार बैंक कार्य बंद रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम सभी बैंक कर्मचारी जाएंगे। कितनी बैंकें शामिल है इसमें हड़ताल में? इसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें शामिल हैं। क्या शुभ नाम आपका? सोनू कुशवाहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।